हेलो फ्रेंड्स, मैं हिशु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल लेट्स डू समथिंग न्यू में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं ये बहुत ही खूबसूरत पेपर क्लच। ये एक गिफ्ट बैग है, इसको मैंने क्लच स्टाइल में बनाया है, ऑलमोस्ट ओरिगैमी ही समझिए आप इसे, थोड़े से कट्स हैं। ये देखिए, इसमें खूब सारी स्पेस है, इसमें आप कॉस्मेटिक्स और कुकीज़, चॉकलेट्स कुछ भी डालकर अपने फ्रेंड को या अपने ब्रदर को, सिस्टर को उनके बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर गिफ्ट कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही मज़ेदार क्राफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन पहुँचे सबसे पहले आप तक। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैं ले ली है यहाँ पैटर्न पेपर्स, उसके साथ रिलेटेड कोई भी शीट, ये मैग्नेट्स हैं मेरे पास, छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, सीजर्स, पेंसिल, स्केल, लिक्विड ग्लू एंड डबल साइडेड टेप। तो चलिए शुरू करते हैं क्लच बनाना। इसके लिए मैंने 8.5 by 11 inches की एक शीट ली है। तो सबसे पहले हम 8.5 वाली साइड पे मार्क करेंगे 3/8 and 1/7/8 दोनों साइड पे, 3/8 and 1/7/8, 1 and 7/8। तो अब इनको ऊपर नीचे मार्क करके हम अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और मार्क करेंगे 1 and 3/4, 2 and 1/2, 5 and 1/4, 6 and 3/4, 9 and 1/2 and 10 and 1/4, और इनको भी ऊपर नीचे मार्क करके अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारा 8.5 वाली साइड पे हमें दो और मार्किंग करनी है। ये जो हमारा बीच का ब्रॉड पार्ट बन रहा है, दोनों लाइनें हमने जो लगाई थी उनको हमने सेंटर से डिवाइड कर देना है। ये हमारा 1.5 था तो मैंने उसको सेंटर से डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लाइन तक हमें ये लगानी है लाइन। ये देखिए, यहाँ भी मैं मार्क कर लेती हूँ, तो बिल्कुल सेंटर में हमें इसको एक हल्की सी क्रीज लाइन देनी है दोनों तरफ से। मैंने इसके लिए पैटर्न रेडी करके रखा है ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि कहाँ हमें कौन सी लाइन लगानी है और कौन सा पार्ट हमें कट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो चलिए हम वो जो मैंने शेडेड पार्ट था उसको हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ भी मेंशन किया है। तो नीचे से देखिए, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन तक हमें ये कट लगाना है। और इधर से जो छोटी वाली टैब है यहाँ से हमें काटना है, यानी कि थर्ड लाइन से काटना है, फोर्थ लाइन को सिर्फ हमें स्लिट लगाना है। यहाँ पर ऊपर से हमें सेकेंड लाइन तक काटना है। तो दोनों साइड से इसी तरह काट लेंगे, ऊपर से सेकेंड लाइन तक काट लेंगे हम, और नीचे से ये जो साइड का छोटा सा टैब है यहाँ से लेते हुए हमें नीचे की 3 लाइंस तक को ख़त्म कर देना है। लेकिन स्लिट लगाएंगे हम 4th लाइन तक। देखिए 1, 2, ये 3 लाइन और ये 4th लाइन तक स्लिट लगाएंगे। ये देखिए, तो हम थोड़े समय इनको फिनिशिंग देंगे ताकि हम जब इसको बॉक्स को जोड़ें तो क्लीन जुड़े। इसलिए हम थोड़े से जो साइड टैब्स होते हैं इनके कॉर्नर्स काट लेंगे दोनों साइड से। ये जो टैब्स हैं इनको भी थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे। अब हम नीचे से और ऊपर से इनके जो फ्लैप्स हैं उनको थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे, बिल्कुल किनारों को हल्का सा राउंड कर देंगे।
अब हमारी जितनी भी हमने स्कोर लाइंस हैं वहाँ पर हम इनको क्रीजेज सेट कर देंगे। ये लीजिए सारी क्रीजेज मेरी सेट हो गई हैं और ये हमारा क्लच बॉक्स जो है उसका फ्रेम बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। तो अब हमें इसको फिक्स करने के लिए लगाने होंगे ये कुछ पैटर्न पेपर एंड मैग्नेट्स। तो ये मैंने यहाँ पर एक हम पैटर्न पेपर लगाएंगे। ये है मेरा 1.5 by 4.5 inches का पीस। तो इसके भी मैंने किनारे जो है राउंड कर लिए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। लेकिन पैटर्न पेपर लगाने से पहले हमें लगाना होगा ये मैग्नेट। तो ये देखिए हम बिल्कुल सेंटर में ये मैग्नेट लगाएंगे। तो हम स्केल से इसका सेंटर निकाल लेंगे पहले। अब ये मैग्नेट लगाने के लिए मैंने ये डबल साइडेड टेप ली है। छोटा सा एक पीस लेंगे और उसको जहां हमने मार्क किया था उसके ऊपर इसको फिक्स कर देंगे। टेप का लाइनर हटाएंगे। और ये मैग्नेट इस टेप के ऊपर रख देंगे अच्छे से। अब मैग्नेट को और सिक्योर करने के लिए हम ऊपर से टेप का ही एक और पीस लगा देंगे पहले, उसके बाद पैटर्न पेपर लगाएंगे। तो अब हम अपना ये पैटर्न पेपर इसके ऊपर अच्छे से फिक्स कर देते हैं। अब हम एक और पैटर्न पेपर लेंगे। ये है मेरे पास 2.5 by 4.5 inches का पीस। तो इसको हम लगाएंगे सेंटर में। अब जो लास्ट वाला हमारा पार्ट है यहाँ पर भी हम मैग्नेट फिक्स करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये फ्लैप के नीचे ये वाला पार्ट आएगा इस तरह से। तो हमें इसका जहाँ मैग्नेट लगा है बिल्कुल वहाँ पर हमारा ये टेप हम लगा देंगे। तो टेप तो लग गया, लेकिन अब मैं टेप के ऊपर मैग्नेट नहीं लगा रही हूँ, मैं ये मैग्नेट के ऊपर मैग्नेट लगा रही हूँ। और ये इस तरह से हम इसको अच्छे से साइड से लाइन अप करते हुए इसको बंद कर देंगे। तो वो मैग्नेट बिल्कुल अपनी राइट पोजीशन पे आ जाएगा इससे। ये देखिए मैग्नेट एकदम अपनी सही पोजीशन पे आ गया है। अब इसको भी हम अच्छे से इसके ऊपर पैटर्न पेपर लगाकर मैग्नेट को सिक्योर कर देंगे। ये भी वही सेम साइज है, 2.5 by 4.5 inches का पीस। तो पैटर्न पेपर्स लग गए हैं। अब अपने बॉक्स को फ्रेम करते हैं। ये पहले नीचे वाले टैब्स को अच्छे से ग्लू लगाकर हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे दोनों साइड से। अब हम अपने ये साइड टैब्स पे ग्लू लगाएंगे और इनको फिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये बॉक्स तो बन गया है, लेकिन क्लच नहीं ना लग रहा। अभी हम इसको क्लच बनाते हैं।
साइड से हल्का हल्का इसको पिंच करते हुए ये फ्लैप को अंदर की तरफ टक कर देंगे, ये देखिए, और ऊपर वाले फ्लैप को हम नीचे की तरफ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर चिपक जाएगा क्योंकि यहाँ मैग्नेट्स लगे हैं। और क्लच को और अच्छे से इसकी शक्ल देने के लिए, इसके क्लच जैसी इसकी लुक देने के लिए मैंने ये हैंडल लगाया है। ये है मेरे पास 3/4 by 6 inches का पीस, तो इसको मार्क कर लेंगे हम 1 पे एंड 5 पे। मैंने सीधी स्कोरिंग कर ली है 1 inches पे एंड 5 inches पे, और इसको मोड़ देंगे और बाकी के हैंडल को कर्ल कर लेंगे हल्का सा ताकि वो शेप उसका मेंटेन रहे। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर फिक्स कर लेंगे इसको। तो ये देखिए कितना प्यारा हमारा क्लच जो है बनकर रेडी हो गया है, तो है ना बहुत ही गॉर्जियस। तो ज़रूर बनाइएगा आप ये क्लच, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक देखते रहिए लेट्स डू समथिंग न्यू। थैंक यू, बाय बाय।